अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम लोग ने वीडियो बना रहे हैं तीन कोटा बकरों का। तीन बकरे आप लोगों ने देखे। पहला नंबर पे आपने देखा इसको, इसकी यूएसपी क्या है भाई? इधर आओ। तीनों कोटा नस्ल के हैं बाय द वे, तीनों के तीनों कोटा नस्ल के हैं। इसकी यूएसपी है इसका कलर और इसके कान। कानों की लेंथ दिखा भाई इसकी, बहुत एग्रेसिव है। पकड़ दोनों, जैसा पकड़ता हो ऐसा हमेशा। हाँ पकड़ ऐसा, शाबाश। ये कान देखो इसके, माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए। माशाल्लाह कान है इसके, माशाल्लाह। छोड़ दादी का, आठ दांत है ये। कलर का एकदम ज़बरदस्त। सिंग विंग बहुत अच्छे इसके, देखो बहुत अच्छे सिंग का है। अच्छे कलर का, अच्छे सिंग का, अच्छे कान का, खूबसूरत बकरा, फॉर सेल। ये तीनों बकरे जो है फॉर सेल है। अब तुम्हारी पसंद कैसी है, इसको कुर्बान करने की पसंद है क्या तुम्हारे को, इसको पल्टी करने की पसंद है, ये तुम्हारी पसंद पे डिपेंड है। इसको खोल और काटे पहले, काटा चालू कर, खोल इसको, काटे पहले वजन करेंगे। हाइट में कोई इसका हाइट का अंदाजा नहीं, मैं हाइट नापता नहीं हूँ, मगर 38-39 पकड़ के चलो तुम। खोल भाई जल्दी चल, खोले वो रस्सी खोलने नहीं आ रही। मेरा गाट थोड़ी ना है। अरे मेरी तेरी गाट क्या है उसमें, गाट तो गाट है, बस खोलना है अपने को सिर्फ। इसकी गाट तो इससे खुद से नहीं खुल रही। क्या बढ़िया था गुरु। हाँ कब खोल दे बे, ऐसी भी मत मांगो कि अपने आपसे ही नहीं खुले। चलो लो काटे पे, माशाल्लाह। पैर वैर देख लो, हर चीज़ देख लो, मगर मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, तुम लोग ना फार्म पे आओ, देखो लाइव और लाइव देख के लो। जैसे देखो अभी अपने जाफर भाई आए थे, वो मेंढे दोनों लिए उन्होंने, तो उन्होंने ना लाइव देख के लिए। मैंने उनको बोला भी था, कलीम भाई को, मतलब भाई कलीम भाई किसको भी दिलाएंगे ना, लाइव दिखा के दो यार। बकरे ना वीडियो में कुछ और दिखते और लाइव देखने में कुछ और दिखते। 82 83 जा रहा है। 82 कंसिडर करो तुम लोग, 82 पकड़ो। चलो निकाल इसको बेटा, 82 निकला ये बच्चा, 82 किलो वेट में। ये ज़्यादा टाइम नहीं हो गया, मेरे को लगता है डेढ़ दो महीना हो गया। क्या हमारे भाई को है ना बकरे लेने का बहुत शौक है, और मेरे को तैयार करने का, तो वो बकरे खरीदते रहते हैं और मैं तैयार करते रहता हूँ, और वहाँ पे अपना ब्रीडिंग तो चलते रहता है, तो ऐसे से शौक हो जाता है, मेरा भी, उनका भी, और तुम लोगों का भी।
जो लोग देख रहे हैं उनका भी शौक हो जाता है वीडियो के थ्रू, और जो लोग खरीद के पालने वाले उनका भी शौक हो जाता है, जिसको कुर्बानी करने की उसका भी शौक हो जाता है। अब आते हैं हम ये दूसरे बकरे पे। ये दूसरा बकरा जो है ये कोटा नस्ल है, तीनों ही कोटा नस्ल है। सिंग देख लो इसकी, माशाल्लाह सिंग बड़ी खूबसूरत है। भाई अभी जस्ट नीला है हम लोगों ने, एक घंटा हो गया नीला। कान दिखा इसके, कान दोनों कान पकड़, जैसे पकड़ा था अभी वैसे ही पकड़। इसके भी ना कानों की लेंथ अच्छी है, ये देखो ये इसका एक कान है ना यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ है। तो जो भी कुर्बानी को लेगा ना तो अपने मुफ्ती साहब आलिम साहब से पूछ के करके लेना, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। क्योंकि देखो मैं तो कर लेता हूँ कुर्बान ऐसे बकरे, क्योंकि वो कुछ रहता है चार उंगल वगैरह का सीन, मैं भी कंफर्म करके करता हूँ। जो भी लेगा ना कुर्बानी का सोच के, तो कुर्बानी करने से पहले, लेने से पहले मशवरा करो मुफ्ती साहब से आलिम साहब से, और फिर उसके बाद खरीदना। डाउट ना रहे, कोई मलाल ना रहे, अच्छा ठोस बकरा है ये। सीना वीना लटक वटक देखो इसकी, माशाल्लाह अच्छा हो गया ये। इसको खोल, दांत दांत दिखा इसके साथ, आठ। भाई मैं बोलूँगा इसको पलटी नहीं, इसको कुर्बान करने का। ये पलटी वाला बकरा नहीं है, ये कुर्बानी वाला बकरा है, इसको लो और कुर्बान करो। हमारे बकरों की गांठ ऐसी बांधते हैं जो हमसे खुद से ही नहीं खुलती है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये देख माशाल्लाह पैर पैर मारते डाम अच्छे लगते हैं बकरे। आई शाबाश चलो। सिंह कैसे इसके खड़े एकदम, सिक्सटी नाइन केजी निकाल बेटा, 69 केजी का बकरा है ये। ये ना एवरेज बकरे है, एवरेज मतलब ये अच्छी कीमत में तुम लोगों को मिल जाएंगे। जिसको कोटा लेने का है, अच्छे गर्म एग्रेसिव, ये तो काफ़ी गर्म है, कोटा लेने का है, उनकी कुर्बानी हो जाएगी इंशाल्लाह। चाहिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नंबर निकाल लो, कॉल कर सकते हो मेरे को, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, इंशाल्लाह जवाब दे देंगे हम, जैसे आपका कॉल देखेंगे या मैसेज देखेंगे इंशाल्लाह। इसका एग्रेशन देख रहे, ये पलटी की चीज़ है, ये पलटी की चीज़ है। देखो ये बिकाने ना तो ये अपने पास ही पलटी होएगा, अपने भाई पलटी करा देंगे इसको। तो ये पलटी की चीज़ है, ये मेरे पास है ना 2.5 महीने का था ना जब बच्चा आया था, ये 2.5 महीने का आया था बच्चा मेरे पास चितला। इसकी माँ के साथ आया था भाई, दो भाई ने जब लिए थे तो इसकी माँ के साथ लिए थे ताकि इसको दूध कम ना पड़े। तो ये माशाल्लाह 4-5 महीने का होने तक, 6 महीने का होने तक भी दूध पी रहा था। खोल दे रहे सी खोल दे। तो ये 2.5 महीने का आया था, अब माशाल्लाह चार दांत किया इसने, दो दांत, तीसरा निकाल रहा है, दो दांत किया है, दो दांत, तीसरा निकाल रहा है, निकले भी नहीं है। ये पलटी की चीज़ है, अगर किसी को लेके पालने का है ना, ये लो और पालो, गोल मटोल होएगा एकदम मस्त इंशाल्लाह। खाने पीने में भी अच्छा है, एक नंबर है, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है इसको अल्हम्दुलिल्लाह। चितला कलर, गरम भी है। मैं जब मैं फीड कराता हूँ सबसे ज़्यादा यही मारता है, यही मारता है। मेरे दो जो फीडिंग का जो मेरा बॉक्स है ना, उसको दो बॉक्स तोड़ा है इसने। 74 कंसीडर करो गाइस, निकाल बेटा 74 ही कंसीडर करो। मैं बोलूँगा ये बकरा ना लेके पालो इंशाल्लाह, मज़ा आएंगी तुम लोगों को। जो लेगा ना ये बकरा उसको इंशाल्लाह मज़ा आएगी। देखो क्या होता है मालूम है, ये बकरे कच्चे, ये बकरे अभी तक तैयार नहीं हुए। बकरे ना 6-8 दांत के बाद ना अच्छे तैयार होते, और 8 दांत में भी उसको अगर तुमने 1-1.5 साल और रख लिए ना, तो फिर तो एकदम अलग ही हो जाते वो। कभी भी याद रखो, जब भी अपन कोई भी एकदम एक्सट्रीम बकरा देखते ना, अच्छा लगता है अपनी नज़रों को, सबको अच्छे लगते बड़े बकरे, तुमको मेरे को सबको अच्छे लगते, मगर उसके पीछे की हमको ये हकीकत नहीं मालूम रहती कि हकीकत में वो कितने साल पला है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जितना ज़्यादा बकरा पलेगा ना उतना अच्छा तैयार होता है, मतलब पक्का होता है बकरा। ये भी खाने पीने में एक नंबर है, ये भी खाने पीने में एक नंबर है, सभी खाने पीने में एक नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। चितला कलर, ये भी चितला ही है, ये एक डिफरेंट कलर है इसमें। सबसे ज़्यादा वज़न में यही है, सबसे कम वज़न में ये है। ये 74 तुला ना, 74-73 जो भी तुला, मैं भूल जाता हूँ माशाल्लाह। ये 83 तुला ना, 83 या 82 तुला है,
तेको कब याद रहेगा, तेको बकरे के नाम याद नहीं रहते, तेको ये वो याद रहेगा। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। देखो देखो गाइस एग्रेशन देखो, माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे हैं। इसको लो और पलटी करो, नहीं बिका तो अपने पास ही पलटी होएगा इंशाल्लाह। मगर देखो तुम लोगों को अगर समझ में आ रहा ना, लो इसको, बहुत अच्छी चीज़ है, पालने वाली चीज़। बाय द वे हम लोगों ने पलाई का रेट ओपन कर चुके हैं, हमारे पास दो खूटे अवेलेबल थे, दो खूटे में से एक खूटा तो कल ही बुक हो गया, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाया। खूटे की हम लोगों ने पलाई जो रखी है 3800 रखी है, वेट कैटेगरी कुछ नहीं, मगर मेरे पास 30 किलो से कम वजन का बकरा मत देना, 30-35 किलो से कम का बकरा मत देना। दूसरा 1000 वैक्सीनेशन चार्जेस है वन टाइम जो आपको देना है। उसके बाद केजेस कुछ खाली होने वाले, केजेस की अपडेट मैं डालूंगा। जिसको भी पलाई वगैरह के लिए बकरे भेजने हैं तो वो लोग बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल ये बकरों की बात करते हैं, ये तीनों बकरे बिकाऊ है, जिसको चाहिए डिस्क्रिप्शन में से नंबर निकालो, कांटेक्ट करो मुझे। तो चलो ये व्लॉग को, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर हमारे वीडियोस देखते हो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो भी कर लेना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला वीस्ता, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय। दुआ की दरख्वास्त, दुआ करते रहना मेरे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, MK का परचम बुलंद रहे।